बहुत टेंशन में लग रहे हैं आप। हाँ ऑफिसर, जुनैद को मैंने पकड़ लिया है, पर अभी उसके साथी बचे हुए हैं। अब क्या क्या कर रहे होंगे कुछ पता नहीं, और 15 अगस्त नज़दीक है। 15 अगस्त से पहले उनके प्लान को नाकाम करना होगा। जाकिर। जी जनाब। हमें जुनैद भाई को छुड़ाना है। जनाब। हिंदुस्तानी मेजर के पास फोन करो और उसको बताओ कि हमने उसके 4 बच्चों को किडनैप कर रखा है। जी जनाब। और उसके बदले हमें जुनैद भाई चाहिए चाहिए चाहिए। जी जनाब। हाँ फोन लगाओ। जी जनाब। जनाब मेजर का फोन लग गया है। ठीक है सर। हेलो। हाँ मेजर। मुझे कल शाम तक जुनैद भाई चाहिए चाहिए चाहिए। अगर आपको 4 बच्चों की जान प्यारी है तो मुझे जुनैद भाई वापस कर देना कल। ठीक है मैं जल्दी छोड़ता हूँ उसको। मेजर ये ले अपने बच्चों की आवाज सुन। बचाओ, बचाओ, बस बस अब कल शाम तक मुझे जुनैद भाई चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है उन बच्चों को कुछ करना नहीं, मैं जुनैद को छोड़ दूंगा। बच्चे ऑफिसर जी चलो चलो। जुनैद। हाँ मेजर, तुम्हारा अगला टारगेट क्या है बताओ। कहाँ बम छुपा के रखा है मुझे नहीं पता। जुनैद बता अगला टारगेट क्या है। मेजर तू अपनी नाकाम खुशकोशी से कपता है, मेरी कोई भी खुफिया जानकारी तुझे नहीं मिलने वाली। कैसे नहीं बताएगा? बता। नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हिंदुस्तान के बच्चे हैं तुम्हारे चौड़ा जपो देंगे। ये पाकिस्तानी से तुम हिंदुस्तानियों के सामने नहीं झुकने वाला मेजर। नहीं तेरी वजह से जुनैद भाई हमारे वहां फंसे पड़े हैं। फोन लगा मेजर को। इतना टाइम हो गया सर। क्या बात है ऑफिसर? आपके लिए फोन। हेलो मेजर, तूने अभी तक हमारे जुनैद भाई को छोड़ा नहीं और वक्त जाया मत कर, नहीं तो मैं 2 बच्चों को काट के तुम्हारे पास भेज दूंगा। या बक्तावर अपनी जुबान को लगाम दे। मेजर तू अपनी जुबान को लगाम दे और जुनैद भाई को जल्दी से जल्दी रिहा कर। उन बच्चों को कुछ करना नहीं, मैं जुनैद को लेकर आ रहा हूँ। इसको बांधो ले चलो। जी जनाब। ऑफिसर फोन संभालो। हंस क्यों रहा है मेजर? तेरे चेहरे के प्रकाश क्यों उड़े हुए हैं? लगता है मेरे भाइयों ने हिंदुस्तान को तबाही का मंजर दिखा रखा है। 4 बच्चों को अगवा करके अपने आप को शेर दिल बताता है। तबाही का मंजर तो अब हम दिखाएंगे, कैसी होती है तबाही।
लगता है वहां पर मेजर और जुनैद भाई दिख रहे हैं हमें। हाँ, दो लोग दिखाई दे रहे हैं। दो नहीं, तीन लोग दिख रहे हैं हमें। हमें लग रहा है कि हमारे जुनैद भाई को काफी सारा मारा है हम लोगों ने। भाई! हाँ जुनैद भाई। भाई मैं आ गया हूँ। हाँ भाई मैं भी यही हूँ। बख्तावर! हाँ मेजर। बच्चों को मेरे हवाले कर दे। जुनैद भाई को पहले उधर से इधर भेज। ठीक है मैं भेजता हूँ। भेज मेजर। अरे जुनैद भाई, जुनैद भाई, जुनैद भाई, पाकिस्तान आपको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है जुनैद भाई। भाई हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं है, हिंदुस्तान की धरती को खून से रंगना है। भाई उन लोगों ने मुझसे बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश की। हाँ तो आपने बताया नहीं ना? नहीं भाई, मैंने अपनी कोई भी खुफिया चाल उन लोगों को नहीं बताई है। कोई बात नहीं जुनैद भाई, हिंदुस्तान की बर्बादी हम तुम्हारे हाथों से ही करवाएंगे। इस क्षण का इंतजार मुझे बेसब्री से रहेगा मेरे भाई। कोई बात नहीं जुनैद भाई। बख्तावर, बच्चे को भेजो। मेजर, हम बच्चे को नहीं भेजेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। आर्डर दीजिए सर, इनकी टांगे अभी चीर दूंगा। रुक जाओ अभी ऑफिसर, उसके पास हमारा बच्चा है। अभी जब तक वो बच्चा नहीं आए तब तक कुछ नहीं करना हम लोगों को। ठीक है सर। मेजर, तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम्हें और तुम्हारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दूंगा। मेजर, हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। मेजर और मेजर की टीम की नजर बहुत तेजी से हमारी तरफ है। हाँ भाई, हम लोगों को इधर से भागना पड़ेगा। हाँ भाई, हम लोग प्लान के हिसाब से काम करेंगे। बख्तावर, हमारे बच्चे को भेज दो यहाँ। मेजर, चलते हैं। बात बख्तावर, जुनैद, पाकिस्तानी भगोड़े कहाँ भाग रहा है? बच्चे को मेरे हवाले कर दे। पकड़ो। मेजर, हमें बचा लीजिए, हमें मरना नहीं है, लोग मार डालेंगे। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर। या अल्लाह मेरे भाइयों को जन्नत दे। आमीन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे मेजर, मेजर,
चल बेटा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। सो हेलो दोस्तों, सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।